बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर अहमद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कोविड-19 में के ऊपर इतनी बेतहाशा लेक्चर्स हमने सुनी है और हर लम्हे हम सुन रहे हैं, और फिर हम जब मोबाइल कॉल कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल कॉल के ऊपर वो मैसेज आ रही होती है। अब इस तमाम सूरत हाल में कुछ लोगों को जो एक कन्फ्यूजन है, दैट इज़ दी बिटवीन हैंड वॉश एंड हैंड सैनिटाइज़र। तो इस कन्फ्यूजन में कहीं लोग हैं, तो मैं रिसेंटली एक स्टोर में मैं चीज़ें ले रहा था, एंड देन आई हैव सीन अ कपल। तो जो सैनिटाइज़र का प्राइस था वो इट वाज वेरी हाई प्राइस, और जिसके अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट क्वालिटी, एंड अब वो परेशान थे। तो मैंने एक्सक्यूज़ करके उन साहब को बता दिया कि सर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई लेट यू नो व्हाट टू डू, रादर देन गोइंग फॉर द hand sanitizer, let's go for the Dettol, and lemon is also very good to make your hands germ free. But on top of everything, water and soap are the best solution. The liquid soap, you can have it, buy it, and then you can start doing your hand cleaning. Sanitize means to clean. तो ये क्लीनिंग है, इसका मतलब कि कहने का सिंपल मतलब ये कि ऑन द टॉप प्रायोरिटी सबसे पहली चीज़ जो रिकमेंडेड है किसी भी घर के अंदर के लिए, वो साबुन और पानी का होना है, और सिंक हो आपके पास, जिसमें वॉश बेसिन कहते हैं, दैट्स इट। तो जो हैंड सैनिटाइज़र का जो सोल्यूशन है या सिचुएशन है, वो सेकेंडरी लेवल के ऊपर आ रहा है कि अब आपने वो लेना है और उसके बाद जो है ना अपने चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट करना है। वो उन लोगों के लिए है जो घर के ऊपर नहीं है, रिमोट में है, ट्रेवलिंग में है, अब पानी तो नहीं है, लेकिन फिर कि वो अल्कोहल बेस्ड वो एक सैनिटाइज़र है जो कि आजकल है तो बहुत महंगा। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेज के ऊपर भी हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए होममेड और जो ओरिजिनल ऑथेंटिक हो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात की है, वो आप उनके वेबसाइट पे जाकर के आप वो मालूम कर लें। और मालूम करके जिनके पास स्मार्टफोन फैसिलिटी नहीं है, वो फिर अपने फ्रेंड्स में उस सिचुएशन को शेयर करें कि भाई हाउ टू मेक हैंड सैनिटाइज़र रादर देन यू नो एक्स्ट्रा या एडिशनल एक्सपेंडिचर से बचने के लिए। और फिर जब एक्सपेंडिचर भी हो, लेकिन जो चीज़ मिल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, वो हैंड सैनिटाइज़र तो आप उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूँकि बिजनेसेस फैक्ट बिजनेसेस भी होती हैं इस तरह से, तो दैट इज़ रियल ट्रूथ इन द मार्केट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई बिटवीन द फैक्ट एंड द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके, सो बेसिक कहने का जो एक ऑब्जेक्टिव और एक गोल है कि अगर आपके पास साबुन और पानी है तो दैट इज़ द बेस्ट हैंड सैनिटाइजर। अब जो फ्लोर को आपने साफ़ करना है, उसमें आपको पता है कि आजकल डेटॉल जो है ना मिल नहीं रहा मार्केट में, अगर आपको क्लोरीन बेस्ड वाटर मिलता है दैट्स वेरी गुड। सो क्लोरीन तो ये आप लोगों की नॉलेज में अभी से है, लेकिन सिंस आई एम वर्किंग इन डिफरेंट स्विमिंग पूल्स एज वेल, तो मुझे सिंस 10 ईयर्स मुझे पता कि क्लोरीन जो है ना वो जर्म्स को मारती है, और जो स्विमिंग पूल के अंदर भी यूज़ होती है तो वो उसी से वो मेंटेन होता है, इसलिए उसमें कहीं लोग तो जर्म कंट्रोल करने का बेहतरीन सोर्स क्लोरीन है। अब क्लोरीन का आई होप कि गैलन्स मिलते होंगे, वो काफ़ी अर्सा चलता है। पानी के अंदर भी क्लोरीन डाला जा सकता है, आप एक लिमिटेड अमाउंट होती है इसकी क्वांटिटी होती है, और इसको क्लोरीन नेशन की टेस्ट की भी किट होती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये सिर्फ आपके घर के जो आपने चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट करना है उसकी आप बना सकते हैं। टैबलेट्स की फॉर्म में भी आ सकती है, ये ग्रैनुलर में भी आती है और लिक्विड के अंदर भी आती है।
सो हर फॉर्म में मौजूद है ये, और क्लोरीन वैसा मिलती है, वैसा अगर आप ओपन मार्केट में जाएं वहाँ पे भी क्लोरीन मिल जाती है, तो आप उसके जो ना वो बना सकते हैं। लेकिन जो सेल कर रहा है आप उससे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि मैंने क्या क्वांटिटी रखनी है और कैसे यूज़ करना है, ताकि आपको उसका प्रोसीजर और मेथड्स पता होने चाहिए। नहीं तो आपको गूगल के ऊपर या यूट्यूब पर ज़रूर इस इनके तमाम इंफॉर्मेशन होंगी, उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी और अंग्रेज़ी ज़बान में भी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस थी जिसका हर एक की ज़िंदगी में इन चीज़ों से जो ना एक रहती है, हर किसी ने हाथ धोना है, हर किसी ने उठना है, और ये अभी एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। और मेरे ख्याल से इस सदी में जितने हैंड वॉशेस हमने किए होंगे शायद किसी जनरेशन ने नहीं की होगी, तो दैट्स गुड। सो कमिंग टू दिस पॉइंट एंड बिफोर गोइंग टू क्लोज माई चैनल, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाइए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव हैंड सैनिटाइज़र्स, जिनकी हम आजकल मार्केट में प्राइस भी पूछने से घबराते हैं, सो हाई एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड का गैप बीच में आ गया है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी और इसका डिमांड ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका जो सप्लाई और डिमांड गैप है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसकी जो मार्केट प्राइस जो है ना वो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो अल्टीमेटली उसका जो प्राइस है, ये इकोनॉमिक थ्योरी है, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस गिर जाएगा। दैट्स द ओनली थ्योरी जो कि आप लोगों को समझ आएगी। ऐसा नहीं होता कि वो कोई ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है, वो वही प्रोडक्ट है, लेकिन वो अब भी उसका जो सप्लाई डिमांड गैप की वजह से उसकी जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लेकिन प्राइसेस उन्होंने ज़्यादा कर दिए। दैट्स इट, इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।